जानबूझकर खाएं पिएंगे तो रोजा टूट जाता है, लेकिन भूल कर खाने पीने से रोजा पूरा करना है कोई हरज की बात नहीं है, अल्लाह ही नियतों के हाल जानता है। दूसरी बात यह कि जानबूझकर कह करने से खुद बखुद कह आने से रोजा नहीं टूटता। इस बारे में अक्सर लोगों को गलतफहमी रहती है कि अगर खुद बखुद कह आ गई है तब भी रोजा तोड़ डालते हैं कि कह आ गई थी। सिर्फ कह का आना काफी नहीं, जानबूझकर आपने हलक में उंगली मारकर कह कर ली तो जानबूझकर कह करने से रोजा टूट जाता है, खुद बखुद कह आने से रोजा नहीं टूटता। अबू दाऊद की रिवायत है 2380। तीसरी बात है जानबूझकर मुबाशरत करने से रोजा टूट जाता है, बुखारी की 1936 और मुस्लिम की 2589 नंबर रिवायत से पता चलता है। चौथी बात है हैज और नफास से, बुखारी की 1951 नंबर रिवायत से पता चलता है। और पांचवी बात यह है कि ग्लूकोज या खून या किसी गजाई मवाद को अंदर दाखिल करने से ये रोजा अफतार करने की तरह है। और छठी बात है रोजा तोड़ने वाला काम है मनी खारिज करने या मनी का इंजाल होने से, इख्तियारी फेल से रोजा टूट जाएगा, ख्वाब में एहतलाम से रोजा नहीं टूटता।